कई लोग कहते हैं कि भाई हमारी लय बढ़ जाती है गाते गाते बजाते बजाते, या कई कम होती है। तबले वालों के साथ ये समस्या होती है कि संगत करते हैं तो लय बढ़ जाती है, लय कम हो जाती है ना। गाने वाले बजाने वालों के साथ ये समस्या है कि लय में हम टिक नहीं पाते, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। अगर सामने वाला संगत वाला अगर बढ़ा रहा है तो हमारी भी बढ़ जाती है ना, अनजाने में। तो उस पर काबू कैसे पाया जाए, उसको सीखा कैसे जाए, समझा कैसे जाए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। लय, लय एक ऐसा स्तंभ है संगीत का जो कि हर विद्यार्थी चाहता है कि उसका मजबूत हो, उसकी संगीत की इमारत का ये स्तंभ बहुत मजबूत हो, ये वो चाहता है। स्वर और ताल, स्वर पक्ष और ताल पक्ष तो हम समझ जाते हैं, कोशिश कर लेते हैं, मगर लय एक ऐसे प्राण हैं संगीत के जो कि डगमगा जाते हैं, है ना। तो कई लोग कहते हैं कि भाई हमारी लय बढ़ जाती है गाते गाते बजाते बजाते, या कई कम होती है। तबले वालों के साथ ये समस्या होती है कि संगत करते हैं तो लय बढ़ जाती है, लय कम हो जाती है ना। गाने वाले बजाने वालों के साथ ये समस्या है कि लय में हम टिक नहीं पाते, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। अगर सामने वाला संगत वाला अगर बढ़ा रहा है तो हमारी भी बढ़ जाती है ना, अनजाने में। तो उस पर काबू कैसे पाया जाए, उसको सीखा कैसे जाए, समझा कैसे जाए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। जाहिर बात है, लय एक ऐसी चीज़ है जो तजर्बे से आती है, अनुभव से आती है, और उसके लिए आपको गुणीजन जो कि लयदार हैं उनके साथ रहना पड़ता है, उनकी संगत करनी पड़ती है, क्योंकि उसी संगत से आपको संगीत आता है और वो लय आपके अंदर जो है बारीकी से आती जाती है। लय के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि अलग अलग तालों को, अलग अलग छंदों को आप जब अलग अलग लयकारियों में करते हैं तो थोड़ा एक लय में मजबूती आती है। पर उसको करते समय भी एक पॉइंट जो है हमें वो ख्याल रखना चाहिए, वो ये है कि हम ऐसा कहते हैं कि किसी इंसान की लय तो फिर भी थोड़ी डगमगा सकती है, लेकिन एक मशीन मशीन की नहीं जाती है, क्योंकि वो तो मैकेनिज्म है उसका, तय है, फिक्स्ड है, वो ऐसे ही चलेगी। अगर उसमें BPM आपसे सेट कर दिया है बीट पर मिनट 60, तो वो 60 पर ही चलेगा, अनलेस कि उसकी बैटरी जो है वो कम अगर वीक हो गई तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि घड़ी की हो जाती है। तो अगर आप घड़ी के साथ या इलेक्ट्रॉनिक तबले के साथ या किसी मेट्रोनोम ऐप के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे ख्याल से एक लय की मजबूती थोड़ी बनी रहती है, बनिस्बत के किसी और गुरु के साथ आप रियाज करेंगे। तो गुरु के साथ आप रियाज करेंगे तो आपको लय की लचक समझ आएगी कि कहाँ, क्योंकि मशीन के साथ जो है एक जैसी लय चलती है, रिकॉर्डिंग होती है तो एक जैसी लय में रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन जब लाइव होता है तो लय की थोड़ी लचक होती है, लय कभी बढ़ती भी है कभी कम भी होती है। जैसे कथक के साथ अगर आप संगत करेंगे तो आपको पता चलेगा वो लचक है, ऐसा नहीं कि वो एक मोनोटोनस एक ही मशीन की तरह लय चल रही है, या गायकी में भी ऐसा नहीं होता है, एक ही लय नहीं चलती है, लय आपस में समझी साझेदारी से कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, वो गायकी अनुसार, वो नृत्य अनुसार, वो वादन अनुसार आप कर सकते हैं। मशीन में तो एक फिक्स्ड चलती है, लेकिन रियाज अगर आपका मशीन के साथ है तो बिना आपके चाहे वो लय जो है वो आगे पीछे नहीं होगी, और उसके लिए एक बार मशीन के साथ आपको रियाज करने की बहुत ज़रूरत है। और मशीन में क्या है, एक टेम्पो लगा दिया है, उसके साथ आप अगर कर रहे हैं तो वो एक ही बीट चल रही है, अब उसके साथ आपका थोड़ा आपके अंदर जो है वो अनुभव जो है धीरे धीरे बनेगा, और ऐसा नहीं है कि 4 दिन के रियाज से लय मजबूत हो जाती है, नहीं, ये सालों की चीज़ है, धीरे धीरे अपने आप वो तिल तिल करके बढ़ती है और लय की मजबूती आपके अंदर, है ना। और गुणी जनों के साथ रहते हैं तो और बेहतर रहता है कि वो जिस लय में हैं आप भी फिर उस लय को समझने लगते हैं, लय की लचक को समझने लेते हैं लगते हैं, लय के स्वरूप को समझने लगते हैं कि लय अगर कभी कम होती है या बढ़ती है तो अपने अनुसार होनी चाहिए, काबू में होने चाहिए आपके, उसकी लगाम जो है ना।
तो उस चीज को समझने की जरूरत है कि हमें लय को अगर कम ज्यादा होने से रोकना है तो मशीन का रियाज और एक अच्छे गुरु की संगत, अच्छे लोगों की संगत, अच्छे लोगों में आप संगीत का अगर रियाज करें अपना, तो आप लय को अच्छे से समझ सकते हैं कि कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो लोगों का जो ये सवाल रहता है कि हमारी लय बढ़ती है कम होती है, इसका क्या इलाज है, तो इसका कोई एक पर्टिकुलर इलाज नहीं है। पर हाँ, एक सजेशन है मेरा कि मशीन के साथ जो है अपना रियाज कीजिए। अगर आप तबले का रियाज करते हैं तो नगमा जो है अगर आप मशीन पर लगाते हैं और या फ़ोन में जो एप्लीकेशन है उसमें लगाते हैं तो बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइव आपको फिर प्रयास करना ही नहीं, क्योंकि लाइव के साथ का अलग मज़ा है, वो एक अलग चैलेंज है, वो एक अलग लचक है, जैसा कि मैंने बोला कि वहाँ कम ज़्यादा होती है, अपने अनुसार होती है, तो उसका एक अलग अनुभव है और मशीन का एक अलग अनुभव है। आप बिल्कुल ये अपने आप को स्टिफ ना करें कि भाई हम तो मशीन के साथ करते ही नहीं, आपकी वो चीज़ मशीन में भी आनी चाहिए और उधर भी आनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आप ये नहीं कि आप लाइव रियाज करते हैं तो कहें कि यार मशीन के साथ तो आता ही नहीं है तो स्टिफ चलता है। अरे क्यों, वो एकदम बराबर चलता है, तो आप भी चलिए ना उसके साथ, थोड़ा लगाम में भी चलिए और उसके साथ करके दिखाइए, और वही चीज़ लाइव में भी आए तो वो भी आनी चाहिए, वही चीज़ें है ना। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मशीन भी और लाइव भी, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी, दोनों चीज़ों का रियाज जो है आपका मजबूत होना चाहिए। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे टेम्पो परफेक्ट एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मैं एप्लीकेशन प्रेफर करता हूँ, ये एक अच्छी एप्लीकेशन है, इसमें सब डिविजन्स भी हो जाते हैं, लय आती है उसके अंदर की जो लयकारियाँ हैं, अगर दो गुना, तीन गुना, चार गुना है तो वो भी इसमें आपको मदद मिल जाती है, छंद मिल जाते हैं आपको। अगर सिंगल में भी चल रहा है तो अलग अलग लय होती हैं इसमें, 10 से लेकर 100 तक 200 तक मेरे ख्याल से लय है, आप वो तो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। टेम्पो परफेक्ट एक अच्छी एप्लीकेशन है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बस यही एक चीज़ है, यही आपका एक इलाज है लय को मजबूत करने का, अलग अलग तालों को अलग अलग लयकारियों में कीजिए। हमारी लय की प्लेलिस्ट का मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिए, उससे लयों को, अलग अलग लयों को आप समझिए, लयकारियों को समझिए, अपनी लयदारी मजबूत कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड की वीडियोस, एंड नए नए टॉपिक्स, आप ही के सवाल मैं लाता रहूँगा और आप ही को जवाब पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।